नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो चुनावी तैयारियां हैं वो सभी पार्टियों की ओर से तेज़ हैं और हर पार्टी की ओर से कुछ कुछ दावेदार हैं जो किसी न किसी तरह से अपनी दावेदारी जाहिर कर रहे हैं। और इस बीच राज्य के बड़े बीजेपी नेता और खट्टर सरकार के समय गृहमंत्री रहे अनिल विज ने भी खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की है। अनिल विज ने कहा कि आज तक मैंने अपनी पार्टी बीजेपी से कुछ नहीं मांगा, मैं 6 बार का विधायक हूं, अपनी वरिष्ठता इस तरह से उन्होंने बताई। और ये कहा कि अपनी वरिष्ठता की वजह से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करता हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला आला कमान को करना है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो अनिल विज के इस बयान से हरियाणा बीजेपी में भी काफ़ी सुगबुगाहट अब तेज़ हो गई। सुनते हैं पहले क्या कह रहे हैं अनिल विज। अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री पद का दावा करता हूँ। मेरे पास सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं और मेरे अम्बाला के लोग भी, मैं जहाँ जहाँ गया हूँ मुझे कह रहे हैं कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप सीएम क्यों नहीं बने। तो लोगों की मांग पर इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूँगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। आपको याद होगा हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर को हटाकर उनकी जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो अनिल विज काफ़ी नाराज़ दिखे थे। अपनी नाराज़गी उन्होंने जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इस बार चुनाव से पहले ही वो अपनी दावेदारी खुलकर पेश कर रहे हैं। उधर बीजेपी के हरियाणा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए नायब सिंह सैनी ही चेहरा हैं। अनिल विज कह रहे हैं मैं भी कैंडिडेट हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सीएम की प्रत्याशी श्री नायब सिंह सैनी है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए फिर चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे। तो ये साफ है कि अनिल विज ने जो दावा किया उसे सामने सामने ही नकार दिया गया है बीजेपी आलाकमान की ओर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरप्रीत हैं इस पूरे मसले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए। गुरप्रीत, आज अनिल विज ने जो बयान दिया वो किन लोगों के बीच में दिया और जिस तरह से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं बचती इस बात की कि किसी तरह से ये कहा जाए कि उनका बयान गलत समझा गया या पढ़ा गया। हालांकि उन्होंने सब कुछ आलाकमान पर छोड़ा और फिर हमने आलाकमान की ओर से हरियाणा के जो प्रदेश प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी राय भी, उनकी बात भी सुन ली। किस तरह से देखते हैं आप, क्या लगता है हरियाणा बीजेपी के अंदर कहीं कुछ खटपट है इस समय? अगर राजनीतिक बात करें तो हमने देखा कि जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं उस समय अनिल विज को मिनिस्टर नहीं लिया जाता और अनिल विज वहीं ही अपनी गाड़ी छोड़ के अपनी प्राइवेट गाड़ी में चले जाते हैं। तो उसके बाद लगातार जो मुख्यमंत्री घोषित करती है पार्टी आलाकमान नायब सिंह सैनी को, इस बात से कहीं ना कहीं लगता है कि अनिल विज और अनिल विज के साथी जो, उनको ये लगता है कि शायद बीजेपी सही कदम नहीं उठा रहे। तो आज अनिल विज ने अपना दावा कैंप किया क्योंकि वो 6 बार वहां से विधायक बन चुके हैं और उन्होंने पहले भी, क्योंकि जब खट्टर एमएल खट्टर मुख्यमंत्री रहे उस समय भी उनके पास होम डिपार्टमेंट था, लगातार वो मुख्यमंत्री से अनबन करते रहते थे अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर, लेकिन आज तो खुल के इलेक्शन से पहले ही बाहर आके उन्होंने बोला कि अगर मैं भी सीएम का दावेदार हूं लेकिन सब कुछ आला कमान पे डिपेंड है, आला कमान मुझे बनाती है या नहीं। तो आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है वो आज बिल्कुल बाहर निकल आई है क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक तरह का अनिल विज ने नहीं मान्यता दी और उस मान्यता को ना देने के बाद उन्होंने अपना दावा भी पेश किया और उन्होंने कहा है कि मुझे जनता पूरे हरियाणा से कह रही है कि आप मुख्यमंत्री बनो और अम्बाला में जहाँ पे उन्होंने काम किया है लगातार वहां के लोग भी कह रहे हैं कि आप अपना दावा कैंप करो। तो देखते हैं कि पार्टी हाईकमांड इसको कैसे देखती है, क्या आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहती है, क्या राजनीति रहती है और क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेके विद इन बीजेपी लगातार लड़ाई बढ़ती है जहाँ
पार्टी हाईकमान बीच में इंटरवीन आके इसको बंद कराती है, और नैब सिंह सैनी जिसको पार्टी ने चेहरा बनाया उसको अनिल विज भी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बैक टू स्टूडियो जी गुरप्रीत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनिल विज का कहना है कि पूरे राज्य से लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि वो अपना दावा पेश करें। हरियाणा की राजनीति में और ख़ास तौर पर बीजेपी की राजनीति में अनिल विज की धमक कितनी है? अंबाला से वो आते हैं, 6 बार के विधायक हैं, इससे उनकी वरिष्ठता तो साबित हो गई, लेकिन प्रदेश बीजेपी में उनकी धमक कितनी है और वो जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका राज्य की जो राजनीति है उसमें कितना एक तरह से जोर है? बिल्कुल, अगर अनिल विज की बात करें तो अनिल विज पहले हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके बाद होम मिनिस्टर भी रहे हैं और लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड लेके चलते रहे हैं। अगर कोरोना काल की बात करें तो अनिल विज को कोरोना काल में कोविड होता है और कोविड के बाद ट्रीटमेंट चलते हुए भी अनिल विज लगातार सेक्रेटरिएट आते हैं, लेकिन अनिल विज को ये लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने अनदेखा किया उनका जो हार्ड वर्क किया, जो उन्होंने तब्दीलियां लाई अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि अनिल विज इस बात के पे मशहूर थे जब होम मिनिस्टर थे तो कभी भी किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाते थे, वहां पे रैंडम चेकिंग करते थे और सरप्राइज चेकिंग करते थे, इन बातों को लेके लगातार उन्होंने काम किया। तो यही दावे हैं जो लोगों के थ्रू वो दावा करना चाहते हैं कि अगर वो, तभी उन्होंने बोला है कि अगर मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं पूरा हरियाणा बदल दूंगा। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि एक मुख्यमंत्री का चेहरा मैं बन सकता हूं और पूरे हरियाणा को बदल सकता हूं, लेकिन ये सब कुछ हाईकमांड, पार्टी हाईकमांड ने डिसाइड करना, और उन्होंने भी अंत में ये बोला है कि पार्टी हाईकमांड जो भी निर्णय लेगा वो मैं उसको मंजूर करूंगा, लेकिन मैं 6 बार का विधायक रहने के नाते पे मैं मुख्यमंत्री का दावा करता हूँ। जी बहुत बहुत तो शुक्रिया गुरप्रीत इस पूरी जानकारी के लिए। तो जब भी विधानसभा चुनाव होता है तो नेता अपने दावे जरूर करते हैं, लेकिन इस तरह सार्वजनिक मंच पर सबके सामने दावा कर एक तरह से बीजेपी के लिए भी अनिल विज ने मुश्किल खड़ी करने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी ने छूटते ही कह दिया है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होना है, 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और समय अब बहुत कम है, 20 ही दिन बाकी हैं मतदान में, और उससे पहले बीजेपी के अंदर इस तरह के जो दावे हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, ख़ासतौर पर तब और भी ज़्यादा जब एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है और कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार वो राज्य में चुनाव जीतेगी।